खुशी से मौत के जो है बहुत सारे वाकया जो है आज नजर आ रहे हैं। तो इंसान खुदकुशी क्यों करता है? उसको लगता है कि मेरी सारी परेशानियों का हल जो है वो अपनी जान को खत्म कर देने से, यानी अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, मुझे किसी चीज को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है कि हम इस चीज को रोकें कैसे। तो इसको रोकने के लिए इसकी कैंपेन करें कि जिंदगी कितनी अहम है और इसको जीना, ये जीने के लिए है, इस खत्म करने के लिए नहीं है। इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए और फिर बच्चों की ज़हनी सलाहियत, यानी वालिदैन और उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की इतनी तरबियत करें कि वो ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सके, बच्चों के अंदर इतनी क्वालिटीज़ पैदा करें, उनको इतना कॉन्फिडेंस बनाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले अपने ऊपर एतमाद करना है कि हम होंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से अहम नहीं है। और मर जाना या अपनी जान को ख़त्म कर देना ये किसी भी मसले का हल नहीं है। या हम ये कहें कि हम ये जगह छोड़ कर चले जाएं, ये रिश्ता ये नाता तोड़ दें तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि अपने आप को ऐसा बनाना है, इतना अपने आप पे एतमाद रखना है कि हम हर मुश्किल से हर परेशानी से लड़ सकते हैं। और आज अगर तजुर्बे के तौर पर ये देखा जाता है कि हर खुदकुशी करने वाला ज़हनी बीमारी का शिकार है, यानी जहन पर एक बात आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये मसला हल नहीं हो सकता। और बहुत सारे मसाइल हैं, किसी के इक्तसादी मसाइल हैं, किसी के समाजी मसाइल हैं, किसी बच्चों में जो है खुदकुशी करने की ज़्यादा जो वजह है, रीज़न है, वो यही पाया जाता है कि उनको इम्तिहान में फेल होने का खतरा होता है, या ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी में अगर हमारे मार्क्स कम आए तो हम फैमिली को कैसे फेस करेंगे, हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। जब हम नहीं होंगे तो फिर मतलब हमें किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा सोच के अपनी मौत को जो है वो खुद ही दावत दे देते हैं और उसके लिए कोई भी तरीका अपनाते हैं। तो खुदकुशी करना हराम है, ज़िंदगी से बड़ी अहम चीज़ कोई नहीं है। ज़िंदगी को जीना सीखना है, इसीलिए आप लोग स्कूल में आते हो, किताबें भी पढ़नी हैं। किताबों में बहुत सारे उनवानात ऐसे होते हैं जो हमें मुश्किलों का सामना करना सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, घरेलू मसाइल हो या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो या किसी के बिहेवियर का कोई प्रॉब्लम हो।